हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस एडिटिंग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लाइटरूम में ब्लू टोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लाइटरूम मोबाइल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपनी पिक्चर इंपोर्ट कर लेनी है। इसके बाद क्लिक करके ओपन करनी है। लाइट्स पे जा रहे हैं, कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है 21, हाइलाइट्स को माइनस करना है 34 रख लेना है, शेडोज को इंक्रीज करना है 40 सही है, वाइट्स को माइनस 6 रख लेना है और ब्लैक्स को रख लेना है तकरीबन 29। इसके बाद कर्व पे जाना है, सेंटर वाले पॉइंट को होल्ड करके बस थोड़ा सा नीचे करना है, कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है अपनी इमेज के अकॉर्डिंग। और डन कर देना है। इसके बाद जाना है कलर्स पे, टेम्परेचर को रख लेना है -12, टेंट को रख लेना है -40, वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है 15 रख लेना है और सैचुरेशन को रख लेना है -6। इसके बाद जाना है कलर ग्रेडिंग पे, शेडोज पे क्लिक करना है, यू को रख लेना है 81, सैचुरेशन को बस थोड़ा सा इंक्रीज करना है 6 सही है, ब्लेंडिंग को रख लेना है 100 और बैलेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना 43। इसके बाद जाना है हाइलाइट्स पे, यू को रख लेना है तकरीबन 39 और सैचुरेशन को रख लेना है 5 और यहाँ से आके डन कर देना है। इसके बाद जाना है इफेक्ट्स पे, क्लैरिटी को माइनस करना है -12, विग्नेट को रख लेना है तकरीबन 5। इसके बाद जाना है डिटेल पे और शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है 5। तो इस तरह हमारी ब्लू टोन रेडी हो चुकी है। ये थी हमारी इमेज बिफोर आफ्टर। हम इसकी यहाँ से सेट 3 डॉट्स पे जाएंगे, इसी सेटिंग को कॉपी करेंगे, पिक करेंगे और इस वाली इमेज पे आके 3 डॉट्स पे जाएंगे और पेस्ट सेटिंग। तो एक ही क्लिक में हमारी इमेज रेडी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।